ABPS न्यूज। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले एक बैठक का आयोजन बुलंदशहर जिले के ब्लॉक सिकंदराबाद के ब्लॉक सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने संगठन को मजबूत करने के लिए सभी प्रधानों को एकजुट होने का आह्वान किया और साथ ही प्रधानों के हितों के बारे में संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से प्रधानों को अवगत कराया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानों की समस्याओं को सुना तथा प्रधानों की समस्या का निस्तारण जिला अधिकारी बुलंदशहर के द्वारा कराने को कहा। प्रधानों ने बताया कि हमारे ब्लॉक में कई प्रधानों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज हैं, जिसे अधिकारियों के द्वारा प्रधानों का शोषण हो रहा है तथा साथ ही बताया कि 4 प्रधानों के वित्तीय अधिकार सीज कर रखे हैं, जिसकी संगठन ने घोर निंदा की। इस दौरान बैठक में जिला अध्यक्ष जगमाल सिंह मावई, जिला उपाध्यक्ष रविन्द्र यादव, जिला महामंत्री धर्मेंद्र के साथ दर्जनों की संख्या में प्रधान मौजूद रहे। मैं 8-8 घंटा 7-7 घंटा लगातार फोन करता था। एक साथी इधर बैठता था, एक साथी इधर बैठता था, फोन लगा के देता था। एक साथी को 15 मिनट समझाना, हमारी बात सुनने के लिए तो आप तैयार नहीं होते। जब वो कंप्लीट हो जाते थे हम समझ लेते थे कि हमारी बात समझ में आ गई। इधर से फोन करता नहीं था, इधर लगा के दे देता था। ये पूरा शरीर का पत्थर बन जाता था। 7 घंटा 8 घंटा लगातार फोन करना, ये पूरा पत्थर बन जाता था। तो तपस्या कर रहा हूं, लेकिन आप वो इसका भाव नहीं ले पा रहे, क्योंकि झूठ जो है बड़ा जल्दी से विस्तार होता है और सच्चाई बड़ा टाइम लगता है सच्चाई को आगे बढ़ने में। लेकिन सब परेशान होता पराजित नहीं। एक सफलता से एक साल की मतलब मशक्कत के बाद 1 सितंबर से काम शुरू जाने का प्रयास हमने शुरू किया। इन्होंने सब कुछ बता दिया होगा, आपको बता दिया। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा संगठन 2 साल हमारे कार्यकाल को बीत चुके, टीचर लग गया और संगठन हमारा इतना कमजोर पड़ रहा है। इसे मजबूत करने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे ये सभी को, हमें सबका साथ चाहिए। और अब पे हम 6 तारीख में जो हमारे पास सम्मेलन मलकातार में होने जा रहा है, इस सम्मेलन में हमको अपनी ताकत ऐसे दिखाई देंगे जैसे हमने 20 अक्टूबर को बाहर लागू में दिखाई दी ना, ऐसे ही हम चुनाव